हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एम पर। मैं राज आर्यन आपके लिए लेकर के आऊँ आज डायलेक्ट्रिक्स। ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, दो बार कठोर करना पड़ा है, मतलब पता नहीं। चलो ठीक है, 10-10 मिनट का कंटेंट हमको डिलीट करना पड़ा है। चलो ठीक है, देखो ध्यान से, क्यों करना पड़ा है कोई मतलब नहीं बनता। चलो ठीक है, डायलेक्ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं आज के पूरे टॉपिक में। डायलेक्ट्रिक्स जो है, डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मैटर जो होता है, ठीक है, मैटर हमारा कंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है, ठीक है, और क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है, और क्या होता है, सुपर कंडक्टर होता है। क्या होता है? सुपर कंडक्टर होता है। इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द जीरो होता है ना। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज हमारा अंदर से बाहर नहीं आ सकता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो नहीं होता है ना, इसमें जीरो नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग सेपरेट लेक्चर पढ़ेंगे और इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इतना तो सबको समझ में आ चुका है, पीडीएफ नोट सबको मिल चुका होगा टेलीग्राम ऐप पे, और उम्मीद करते सब लोग नोट बना लिए होंगे भाई, ठीक है। तो चलो अब आगे बात करते हैं। हम लोग का सारा स्टडी जो है अभी से वो इंसुलेटर के ऊपर है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर में हम लोग इंसुलेटर डायरेक्ट्रिक्स को इंसर्ट करते हैं, और बार बार डायरेक्ट्रिक्स का हम पहले भी जिक्र करते आए थे, इसलिए आज पूरा का पूरा लेक्चर है सिर्फ इस पे। कोशिश करना समझने का, नहीं समझ में आएगा तो भी कोशिश करो, ठीक है। चलो ठीक है, इरेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायलेक्ट्रिक्स। डायलेक्ट्रिक्स को अपने जगह पर रहने देते हैं, पहले हम एक दो चीज समझने की कोशिश करते हैं कि एटम जो होता है, एटम दिखता कैसा है। तो हम जानते हैं कि भाई एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन से हमारा कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि उस पर कोई चार्ज होता नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर बात कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है। तो अगर हम बोले इस इलेक्ट्रॉन को हटा दें, और हम कहें एक बात कि भाई कुछ इस तरह से करके एटम होता है कि इसके चारों तरफ, मान लेते एटम का शेप है ना, इतना बड़ा ही एटम है मान लेते हैं कि ये पूरा जो एरिया होगा इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, है ना, ऐसे से इस पूरे सेल्स में इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व कर रहा होगा। तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कर दें इसको, क्या है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाएगा ये। नेक्स्ट मिनट बात, यहाँ बीच में न्यूक्लियस है और इसमें पूरा KLMNOP सब भरा हुआ है, और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना हुआ है ऐसा कुछ। और हम ये शेप तब बनाए हैं जबकि कोई सराउंडिंग में एटम वगैरह नहीं है, यानी हम इसको कह देंगे आइसोलेटेड एटम, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं आइसोलेटेड एटम के बारे में, है ना, ऐसे ही लिखता है ना, KLMNOP ऐसे बना हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, और आइसोलेटेड का मतलब ऐसा एटम जिसके सराउंडिंग में एक भी एटम नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये है। तब हम इस तरह का पिक्चर हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आइसोलेटेड क्लियर हुआ कि बाहर में कुछ भी नहीं है ना, नो एनी एटम सराउंडिंग बाय दिस, इज इट ओके, या नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, नो एनी मैग्नेटिक फील्ड और नो एनी ग्रेविटेशनल फील्ड, इज इट ओके। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा एटम, ऐसा दिखता है। लेकिन क्या हो कि अगर हम बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इंसर्ट कर दें, बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दें, क्या होगा इसमें, यह है। अब हम देखो ध्यान से क्या करेंगे कि बाहर से जैसे ही हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके स्विच ऑन कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहे होंगे, है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सब के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा देगा, है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा होगा उन सब के ऊपर इधर फोर्स लगा देगा ऐसे, अरे सुनो, और इस पूरे न्यूक्लियस के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, QE फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगता है, इसका वैल्यू QE होता है। अब इसके पास कुछ क्यूट अमाउंट ऑफ चार्ज है ना, Q कितना होगा, जो
क्यू ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा बता सकते हो? अगर हम बोल दें कि एक एटम है जिसका कि एटॉमिक मास ए है और उसका एटॉमिक नंबर जेड है, तो न्यूक्लियस में कितना प्रोटोन होगा? तो जेड टाइम्स ऑफ प्रोटोन होगा, और एक प्रोटोन का मास कितना, सॉरी चार्ज कितना होता है, ई होता है, तो जेड ई होगा। न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? जेड ई। एक प्रोटोन का चार्ज ई, तो जेड प्रोटोन का चार्ज जेड ई। जेड समझ में आ रहा है बात? मान लो कि ये हमारा सोडियम का न्यूक्लियस है, सोडियम एटम है, तो उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटोन होंगे ना, तो एक प्रोटोन का चार्ज ई, तो 11 प्रोटोन का चार्ज 11। उसी तरह से कोई जेड नंबर का एटम है तो जेड ई चार्ज हो जाएगा, तो इस पर फोर्स इधर कितना लगेगा? क्यू ई, है ना, तो क्यू की जगह पर लिख देंगे जेड ई, है ना, जेड ई, इतना फोर्स इधर लग रहा होगा। और सिमिलरली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पर भी ऐसे फोर्स लगेगा, तो कुछ इस तरह का पिक्चर बन जाएगा इसका, कि एटम हमको कुछ इस तरह का दिखेगा, तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा पूरा पिक्चर, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ जाएगा और प्रोटॉन इधर की तरफ आ जाएगा, है ना। हम ये इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेटेड दिखा रहे हैं, कि इसका एक सेंटर ऑफ मास टाइप का समझ लो, कि सारा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, है ना, सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे है, इधर की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इन सब का एक सेंटर ऑफ मास टाइप का बनेगा यहाँ पर, यह सेंटर ऑफ चार्ज कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं इसको, सेंटर ऑफ चार्ज, ठीक है ऐसे। और यहां पर ये हमारा न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस थोड़ा उधर हिल जाएगा, सारा निगेटिव चार्ज इधर की तरफ खींचा जाएगा, तो हम साफ देख सकते हैं कि यहां पर जो भी इसका, अच्छा ये बता, इस न्यूक्लियर क्लाउड, जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहां बनेगा? सेंटर, सेंटर ऑफ चार्ज पूरे का पूरा बीच में, और इसका सारा चार्ज अगर इधर आ गया तो इधर की तरफ सेंटर ऑफ चार्ज शिफ्ट कर जाएगा, तो यहां पर जो भी नेट मोमेंट बनेगा, मोमेंट याद है डायपोल मोमेंट क्या होता था, एक माइनस क्यू चार्ज था और एक प्लस क्यू चार्ज था, उस दोनों के डिस्टेंस था डेल्टा एंड 2 है। उसी तरह से यहां पर दिख रहा है माइनस चार्ज और प्लस चार्ज इक्वल चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कुछ बन रहा है डी, तो हम यहां कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक डायपोल का फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं एक डायपोल का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया है तो। समझ आ रहा बात? अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया है तो हमको दिख रहा है कि डायपोल का फॉर्मेशन हो रहा है, और जिसका की वैल्यू होगा, है ना, डायपोल मोमेंट यहां बना सकते हैं, पी वेक्टर के इसका क्यू इंटू डिस्टेंस है डी, मान लेते हैं यहां पर, है ना, क्यू इंटू डी, याद है यहां पर डायपोल मोमेंट क्या लिखते थे, क्यू इंटू 2 है, उस तरह से यहां बन जाएगा क्यू इंटू डी, एकदम सिंपल है। ये हमारा बन गया डायपोल मोमेंट, यानी कि एक एटम अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो डायपोल का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ गया बात? एक एटम को अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो डायपोल का फॉर्मेशन कर रहा है। समझ में आ गया मेरे बात? तो यहां पर वही दो तीन बात लिखे हैं जो कि आ रहा होगा स्क्रीन पर भी, ठीक है। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल विच हैज लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कंडक्टर के बारे में एक बात तो ये तय है कि उस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण से वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी भी, और सारे इलेक्ट्रॉन को सर्फेस पर भी ला देता है, ठीक है, ये इसी बारे में बात कर रहा है। विच कैन फ्लो अप फ्लो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अगर मान लो कि कंडक्टर होता तो इसके इलेक्ट्रॉन सीधे सर्फेस पर जाते, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स आर दोज मटेरियल विच हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई डायरेक्ट्रिक अगर कोई मटेरियल होगा उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है, लाइक कंडक्टर्स। व्हेन सच मटेरियल आर प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देन चार्जेस इन देन आर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर इनिशियल पोजीशन, स्लाइटली डिस्प्लेस कर चुका है, और दिस कॉजेस पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल। इसके कारण देखो पोलराइज हो गया, थोड़ा प्लस माइनस आ गया, डायपोल मोमेंट बन रहा है, इसकी इसके लिए हम इसको कहेंगे पोलराइजेशन हो रहा है। यहां पर कोई दिक्कत है? और समझ में आ गया बात? इसी को बोलते, इसी फेनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, जो कि डायपोल मोमेंट बना रहा है मटेरियल, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। सिंपल हो गया, समझ में आ गया बात? कोई तकलीफ नहीं है। अब दो तरह के मटेरियल होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। एक आध एकदम रिजिड होता है, भैंस टाइप का एक आध गो मतलब एटम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हिला ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिए पोल बनाया ही नहीं, वैसे को बोलेंगे नॉन पोलर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक आध गो एटम ऐसा होगा जिसमें से कि सीधे इलेक्ट्रॉन छपक करके भाग जाएगा, वो कंडक्टर हो गया, और कुछ में
बीच में मामला फंस जाता है, डाइपोल मोमेंट बना करके रह जाता है, उसको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। हम लोग को जो पढ़ना है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। कोई दिक्कत है? तो यहां पर लिखा है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर मेड अप ऑफ द सच एटम ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच डू नॉट हैव एनी डाइपोल मोमेंट, ठीक है, बट ऑन एप्लीकेशन। अच्छा, शुरुआत में देखो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है, इसका कोई डाइपोल मोमेंट तो है नहीं, क्योंकि चार्ज डी सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहीं पर बन रहा है और पॉजिटिव चार्ज यहीं पर, डी तो जीरो हो गया, यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या बनेगा? इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट जीरो, इसका डाइपोल मोमेंट है किंग टू डी, ठीक है। बट ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये डाइपोल मोमेंट बना रहा है ना, विद सम स्पेसिफिक डाइपोल मोमेंट दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी भी दिख रहा है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये। अब हमको ये जानना है कि ये कौन कौन से मटेरियल है जो कि इस तरह का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। फिर सुनो मेरी बात को, एक है कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है, एक ऐसा है जिसमें कि ये चीज बनता ही नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो हिला ही नहीं, इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा रिजिडली पैक्ड होता है न्यूक्लियस से कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गए। एक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, उसमें इस तरह का स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट दिखा, तो हम उसको कहेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक। समझ आ गया बात? तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन कौन से होते हैं? टाइल्स देखे होंगे, है ना, उसको पोर्सेलेन बोलते हैं या सेरामिक का टाइल्स बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ग्लास हो गया, माइका हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ये सब हमारा डाइलेक्ट्रिक्स है। क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स है। कौन कौन सा डाइलेक्ट्रिक्स है? स्क्रीन पर आ भी रहा होगा, है ना, हमको लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ पोर्सेलेन सेरामिक, है ना, ये अच्छा, ये क्ले, क्ले समझ में आता हो, तुम लोग बनाते हो गए ड्रॉइंग वगैरह में बचपन में, क्ले से कुछ हाथी घोड़ा तो बनाते हो ना जी, ठीक है। तो उसको हमने हीट कर दिया है, उसे हमने फ्लोर और वॉल का जो टाइल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, वही है। माइका है, ग्लास है, प्लास्टिक, अच्छा, ऑक्साइड्स ऑफ द वेरियस मेटल्स, कुछ मेटल के ऑक्साइड भी हमारे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, है ना, ये सब एग्जाम्पल है, आगे जा करके देखा जाएगा इसको। तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही हम एक एटम को डालते हैं तो वहां पर साफ दिख रहा है कि थोड़ा सा एटम में डिस्टॉर्शन पैदा हो चुका है, जिसके कारण से कि वहां पर अब बात करते हैं आके, ठीक है, इरेज करते हैं इसको। मान लेते कि मेरे पास अब जो एटम है वो अब मेरा ऐसा तो नहीं दिखेगा जैसा गोल गोल बनाते थे, अब वो एटम तो हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा जिसमें से किधर प्लस होगा और एक माइनस होगा, और हम इसको अब कह देंगे डाइपोल। क्या कह देंगे इसको? डाइपोल, ठीक है। अब ध्यान समझना है मेरी बात को, कि मान लेते हैं कि मटेरियल है और मटेरियल में हम जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डाले तो ये डाइपोल बनाया है, और डाइपोल के अंदर में क्या होगा, किसी भी एंगल पे सेपरेटेड है डाइपोल, और ये हम कह देते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इंसर्ट किया था। बता दो इस डायपोल के इस वाले हिस्से पर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ क्यू, है ना, और इधर भी फोर्स लगेगा क्यू, है ना, प्लस में चार्ज है तो प्लस वाला प्लस की तरफ ऐसे खींचेगा और ये माइनस वाला, इससे क्या हो जाएगा कि ये दोनों फोर्स लेकर घुमा देगा इसको, इसको पकड़ करके ऐसे घुमा देगा, और अल्टीमेटली कैसा पिक्चर बन जाएगा ना, बाद में कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का, बाद में ये हमको इस तरह का दिखने लगेगा, दिख रहा है ये जी क्यू, चलो दिख रहा है, ठीक है, बाद में हमको कुछ इस तरह से दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इधर की तरफ क्यू दिखेगा और ये इधर की तरफ क्यू हो जाएगा, प्लस यहां बनेगा माइनस यहां बनेगा, ठीक है। तो साफ दिख रहा है कि यहां पर टॉर्क लगा है ना, टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है ना, क्या बनेंगे, टॉर्क एक्सपीरियंसेस बाय डाइपोल, है ना, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये टॉर्क एक्सपीरियंस अगर करता है तो टॉर्क का वैल्यू कितना होता है याद है, पी इंटू ई, है ना, टॉर्क वेक्टर बराबर क्या पढ़े थे, पी क्रॉस ई, माइनस से प्लस की तरफ हमारा बनेगा पी वेक्टर, याद है, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ये घूमेगा ऐसे करके, और हमको पता है कि ये तब तक होते रहेगा, टॉर्क घुमाएगा रोटेट करवाएगा
और रोटेट करवा करके इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम तक लेकर के आएगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम यहां पर कंडीशन बनेगा, इस कंडीशन में टॉप हो जाएगा जीरो और तब ये बनेगा हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। और अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक डायरेक्शन कुछ इस तरह का अलाइनमेंट दिखे, हम सिर्फ एक एटम दिखाएं, अब हम दिखाएंगे तो बहुत सारे एटम के अंदर में है ना, तो ये हुआ एक एटम में है ना, इरेज कर देते इसको, छाप लो जल्दी से, छाप लिए पक्का ठीक है। तो अगर हम बोलें कि मटेरियल के अंदर में बहुत सारा डायपोल है तो मटेरियल को अगर हम दिखाएं कि ये बहुत बड़ा सा मटेरियल है ठीक है, इसे बहुत सारे डायपोल हैं बने हुए जैसे तैसे अलाइंड हैं ठीक है ठीक है, यहां प्लस इधर माइनस है, इधर माइनस इधर प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है, तो देख लो कि नेट डायपोल मोमेंट इधर भी नहीं है ना, इधर का ऐसे डायपोल मोमेंट है, इसका इधर 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 है, तो नेट डायपोल मोमेंट किसी डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन जैसे ही यहां पर हम कह दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर देते हैं ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास किया जैसे ही, तैसे ही क्या होगा, इसका रोटेशन कुछ इस तरह से होगा, देखो ध्यान से, प्लस इधर आएगा माइनस इधर आएगा, ये प्लस वाला इधर जाएगा और ये माइनस वाला इधर आएगा अलाइन करेगा, ये तो जैसा तैसा वैसा ही रह जाएगा, इसमें मूवमेंट ऐसे हो जाएगा, ये प्लस वाला इधर की तरफ घूमेगा और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, ये प्लस वाला इधर जाएगा, देख लो ये क्योंकि ऐसे ये ऐसे घूमेगा और ये इधर आएगा, इसमें टॉर्क कुछ इस तरह से लगना चाहिए, फिर ये देखो ये एकदम सीधा इधर आएगा और ये यहां से इधर आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारा निगेटिव वाला इधर बनेगा और प्लस वाला इधर बनेगा, तो कुछ इस तरह से हमको अलाइनमेंट हमको यहां पर दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद, सब में टॉर्क लगेगा और वो तब तक लगते रहेगा जब तक कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर ले, और जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करेगा तब वो कैसा पिक्चर दिखेगा हम वो दिखाते हैं, तब का पिक्चर कैसा हो जाएगा, सारा एक जैसा दिखेगा है ना, ऐसे यही मटेरियल है तो हमका देखते सारा प्लस इधर की तरफ दिखेगा है ना, सारा प्लस उस साइड चला जाएगा और सारा माइनस इधर की तरफ आ जाएगा, मजा आया, कुछ इस तरह का अलाइनमेंट दिखेगा। फिर हम बात कर रहे हैं ये तभी होगा जब वो पोलर डायलेक्ट्रिक्स होगा, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स में रोटेशन तक पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे भी नौटंकी हैं कि मान लो कि कुछ पोल बनाए भी, डायपोल बनाया भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया तो घूम ही नहीं रहा है, उसके पास इतना रूम ही नहीं है कि वो घूम ले, जगह ही नहीं है, घूमने ही नहीं देगा, तो कुछ ऐसे रिजिड सब्सटेंस भी जिसमें ये रोटेशन भी पॉसिबल नहीं होता है, तो भी हमारे किसी काम का नहीं है, हमको चाहिए रोटेट करवाने वाला, तभी हम एक्सटर्नल तो मोटा मोटी से इलेक्ट्रिक फील्ड गया उसके डायपोल में रोटेशन करवाएगा और हमको अल्टीमेटली ऐसा पिक्चर चाहिए, अगर ऐसा दे रहा है तभी कोई बात बनेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है, समझ में आ रही बात, हो सकता है कि सारे ही घूम जाए, हो सकता है 90% डायपोल घूम जाए, 10% भी घूम रहा है तब भी पोलर डायरेक्ट्रिक्स, 0% से काम नहीं चलेगा, 10% भी अगर घूम गया तो उसके कारण कुछ तो इफेक्ट आएगा जिसके बारे में स्टडी करना है, ये बात समझ में आया कि नहीं। मान लेते हैं कि 100 डायपोल बने ठीक है, 10 ही डायपोल घूमा उसके कारण नोटंकी हो जाएगा, क्या होगा इसी का तो पूरा कहानी ठीक है, इरेज कर दें, यहां तक समझ में आ चुका है सबको, तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि dielectric is placed in the region where there is no external electric field, the dipole are randomly exist in the inside of it in such a manner it makes do not है ना no net dipole moment, क्या लिखे इंग्लिश जो भी है यही है, मतलब इस तरह शुरुआत में था कि इसमें dipole moment नहीं है, है क्या net dipole moment क्या है, कुछ नहीं इसमें, कुछ नहीं बना, और इसमें अब है नेट डायपोल मोमेंट है, सारे सारे अलाइन हो जाएंगे है ना, डायरेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, इट रोटेट ऑल द डायपोल इन अलाइन दिस डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, दिख रहा होगा फिगर में आ भी रहा होगा है ना, कोई दिक्कत
नहीं है। चलो अब इरेज करते हैं यहाँ पर छापो जिले से। अब से ध्यान से सुनना मेरी बात को कि जैसे ही हमने मटेरियल को ध्यान से देखना मेरी बात को मटेरियल को हमने ये रहा डेपो। अब फाइनली हमको कुछ इस तरह का पिक्चर दिखने लगा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं और सारे डायपोल इस तरह से हमको अलाइंड दिख रहे हैं ऐसे। यहां से सारा कहानी है ध्यान से देखना, पहले भी सब तो ये करके प्रोसेस समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगा दिए हैं इस मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड लग चुका है ऐसे। ये बाहर से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है। सारा प्लस इधर की तरफ आ चुका है, एक एक करके ध्यान से समझना है। सारा प्लस इधर आ चुका है और सारा ही माइनस इधर आ चुका है ऐसे, ठीक है। अब एक बात बताओ कि ये प्लस और माइनस मिलकर के न्यूट्रल हो जाएगा क्या? ध्यान से देखना इस बात को, यहां से यहां तक का, यहां ही माइनस है, यहां से यहां तक का ध्यान से समझना क्या होगा। ये सारा नेट चार्ज देखो तो इस पूरे रीजन में जीरो है क्या? नहीं समझना बात, देखो ध्यान से। ये प्लस और माइनस जीरो, ये प्लस माइनस जीरो, ये प्लस माइनस जीरो, ये प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रल बना रहा है, कंसीडर कर रहा ना। देखो प्लस ने माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर दिया है ना, इसका भी नेट चार्ज जीरो, 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 ठीक है। इस चक्कर में कुछ ऐसा हुआ है कि इस फेस पर जो इधर की तरफ अगर हम ये बना दें, ठीक है, हम ये बोल देंगे क्यूबिकल शेप का डायलेक्ट्रिक लिए है ऐसे, ठीक है, जो डायलेक्ट्रिक लिए हैं तो हम कह देंगे कि उस वाले फेस पर जो इधर वाला फेस है, इस पूरे फेस पर हर जगह पे हमको अब पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, तो सारा पॉजिटिव चार्ज होगा इधर की तरफ लाइन हो गया और इस साइड में हमको है ना यहां पर निगेटिव चार्ज हमको दिखेगा। समझ में आया बात? इस वाले फेस पर सिर्फ निगेटिव चार्ज और इस वाले पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज और सारा बीच में प्लस और माइनस नेट चार्ज जीरो, इस वाले ने खत्म कर दिया जीरो। तो सारा कहानी सिर्फ इतना ही बचा है कि इस वाले फेस पर जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तैसे ही प्लस इधर की तरफ इस वाले फेस पर निगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है और इस वाले पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ है। क्या हम इसी को इंडक्शन कहते हैं क्या? चलो आज इंडक्शन का एक और व्यू दिखा कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो अंदर में कैसे कैसे चीजें चार्ज इधर की तरफ आई, जो हम पहले से सीखते आए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इधर की तरफ निगेटिव चार्ज अपीयर होगा, इधर की तरफ प्लस चार्ज अपीयर होगा, फील हुआ, ठीक। अब एक बात बताओ तो हम ये कह सकते हैं कि इसके इस सरफेस पर चार्ज इंड्यूस हुआ है, हम कह सकते हैं क्योंकि सरफेस पर इंड्यूस हुआ है, इस पे कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी बन चुका होगा, सिग्मा आई कह देंगे है ना, और इस पर भी सिग्मा आई बन चुका है, ये निगेटिव सिग्मा आई हुआ, यहां पर प्लस सिग्मा आई बन जाएगा और सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा जो इंड्यूस्ड है ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस्ड अपॉन एरिया है ना, सरफेस चार्ज एनर्जी होता है ना चार्ज पर यूनिट एरिया, इतना मतलब जो भी इसका एरिया होगा एरिया में इसने चार्ज को बना लिया है, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हमने इंसर्ट किया तो इस वाले फेस पर निगेटिव सिग्मा आई बना है और इस पर प्लस सिग्मा आई बन चुका है, यहां तक खुश, कोई तकलीफ नहीं होगा, समझ रहे हो ना। अब देखो ध्यान से, क्या अब हम ये बात कह सकते हैं कि ये प्लस वाला ये माइनस वाला अपने आप में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा ना, जी प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना होगा ऐसे है ना, प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा ऐसे 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 प्लस से माइनस की तरफ, जो इस डायलेक्ट्रिक ने बनाया है, ये इसलिए बनाया है ताकि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का विरोध कर सकें कि मेरा मूवमेंट और ना हो जाए, क्योंकि देखो बाहर से हम लगाए इलेक्ट्रिक फील्ड ये घुमा है, ठीक है, तो घुमा है तो कुछ इस तरह का प्लस चार्ज बना है माइनस चार्ज बना है,
तो एक कहीं ना कहीं इस तरह से प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, कोई दिक्कत है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पर कितना बनेगा, तो हम कह देंगे कि जो बाहर में से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है और जो इंड्यूस्ड हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसको कह देंगे ई इंड्यूस्ड, है ना, ई इंड्यूस्ड, है ना, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इस दोनों घटा करके जो बचेगा वही, या हो सकता है दोनों बराबर हो जाए, देखते क्या क्या होगा, ठीक है? तो चलो यहां तक समझ में आ गया बात, छाप लो पहले लीजिए यहां पर, फिर सुन लो मेरी बात क्या क्या हम बोले, एक एक चीज को हम बार बार समझा रहे ताकि समझ में आए, बड़े सवाल नहीं बनते इसमें से, छोटे सवाल पॉइंट पॉइंट निकाल करके पूछे आते हैं, ध्यान समझो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो इधर की तरफ प्लस चार्ज अपने आप दिखेगा, इधर की तरफ माइनस चार्ज अपने आप दिखेगा, नेट चार्ज ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, सब खत्म हो गया, बीच में जीरो हो गया है चार्ज, चार्ज न्यू अंदर में जीरो हो चुका है, लेकिन ये प्लस से लेकर के माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है जिसको हम कह देंगे ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड हुआ है, कोई दिक्कत है? और ये ई इंड्यूस्ड क्या करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट अपने अंदर थोड़ा कम करेगा, थोड़ा कम करेगा, जीरो भी कर सकता है, जीरो कर देगा तो क्या होगा उस पर ही बात करेंगे आगे करके। तो चलो फिर है, फिर देखते हैं यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्ट्री जो डायपोल्स है आर एलाइंड, है ना, इन सच ए डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द चार्ज ऑफ द नाइबरिंग डायपोल इन द स्लैब ओवरलैप द न्यूट्रलाइज द इफेक्ट, जो भी नाइबरिंग वाला है ये दोनों न्यूट्रलाइज करते हैं इफेक्ट को, इन दिस स्टेट ओनली द सर्फेस चार्ज ऑफ द डायपोल विल रिमेन ऑन द स्लैब, सर्फेस चार्ज पर ही रह जाएगा, दीज चार्जेज आर कॉल्ड बाउंड चार्ज, हम इनको बाउंड चार्ज कहते हैं जो सर्फेस चार्ज पर आ रहा है, और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ में आ गया मेरा बात, छाप लो यहां तक जल्दी से, सारा चीज पीडीएफ में अवेलेबल है, टेलीग्राम ऐप में जाओ देखो मजे लो, और कुछ है नहीं, ठीक है, बाकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जो बाहर से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पर बात कर रहे हैं, यहां पर इस पी पॉइंट पर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो देख लेते हैं, बंद ने हुआ जी चालू है, तो बंदी कर लेते पहले। तो अगर हम कह दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक जो होगा वो हो जाएगा जो एक्सटर्नल लगाए हैं ई एक्सटर्नल माइनस में ई इंड्यूस्ड हो जाएगा, जो बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर में वही ना होगा कि बाहर वाला जितना लगाया है और अंदर वाले ने ऐसे लगाया है तो दोनों घटा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला ऐसे लग रहा है और इंड्यूस्ड वाला ऐसे लग रहा है, दोनों घटा देंगे, है ना, ये हम थोड़ा अब इरेज कर देते हैं बीच वाले को, हम सीधा सीधे अब दिखाते हैं ये चार्ज है ऐसे करते, ठीक है, ध्यान से यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक स्लैब है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे चला, ऐसे ऐसे जा रहा आराम से, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, कोई दिक्कत? इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है इसमें, है ना, इसमें नेगेटिव चार्ज आ चुका है, यहां पर प्लस चार्ज आ चुका है, ठीक है, तो हम कह देते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इंड्यूस हो चुका है कुछ, जिसने कि इस बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तो काम तमाम कर दिया, अंदर आ भी रहा है, ठीक है, तो साफ दिख रहा है कि जितना बाहर से कितना लाइन आ रहा है, 6 लाइन आ रहा है, और अंदर में कितना पास किया, 1, 2, 3, 4, यानी अंदर में कुछ कम इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, हम बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को काट दिया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ई एक्सटर्नल और ये हो गया ई इंड्यूस्ड, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बीच में बचेगा वो कितना बचेगा, अगर हम कर एक्सटर्नल बड़ा है तभी तो घुमाया है, तो जो नेट बचेगा वो इधर ही बचेगा, ठीक है, तो कितना आएगा, ई एक्सटर्नल में से ई इंड्यूस्ड घटा देंगे तो जो भी बचेगा सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ई इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक अंदर में कितना बचेगा, ठीक है, और ये हो गया ई एक्सटर्नल, ये हो गया ई इंड्यूस्ड, समझ में आ रही है मेरी बात, कोई दिक्कत है? तो अगर हम लिख दें यहीं से कि ई इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या आएगा और ई एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल हम बोल देते हैं हवा में है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहां आइए, हवा में है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अंदर में क्या है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया,
हम एक बात कहते हैं यहां पर, ये जो तो डायरेक्ट्रिक है इसका अपना एक परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर या फिर के। हम लोग कभी कभी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के का यूज करते हैं या फिर एप्सिलॉन आर का यूज करेंगे, ठीक है। जो पीडीएफ में दिए हैं हम उसमें एप्सिलॉन आर का यूज कर लिए, कोई दिक्कत है? समझ में आ रही मेरी बात, है ना? तो अगर हम कह दें, हम निकालना चाहते हैं कि ई इंड्यूस्ड कितना है, तो ई इंड्यूस्ड कितना होगा, यहां पर हमको निकालना है बेसिकली ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, ई एक्सटर्नल माइनस में ई इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। हम कह रहे हैं बाहर से लगा रहे हैं हम हवा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगा। कम हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम वो कह देंगे एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो रहा है। कहां से? हवा में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उससे एप्सिलॉन आर टाइम्स कम। समझ में आया? और कुछ नहीं, ये हो गया हमारा ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड कितना हो गया, ई एयर वन माइनस में वन अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो यही हो गया हमारे एक फॉर्मूला, कोई दिक्कत है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कहीं पर भी वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, पता है ना जी? तो क्या लिखेंगे, सिग्मा इंड्यूस्ड जो हुआ है अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो, सिग्मा एयर जो हवा में बचा है वो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या फिर इसको लेना चाहते हैं क्योंकि अभी हम यहां पर इसको यूज नहीं कर रहे, ई एयर हो जाएगा इंटू वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर। यहां पर सिग्मा जो इंड्यूस्ड हुआ है वो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई ऑफ एयर इंटू वन माइनस वन अपॉन आर, और सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज पर एरिया। तो जो हम लिख देंगे क्यू इंड्यूस्ड अपॉन एरिया इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई ऑफ एयर वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर। तो क्यू जो इंड्यूस्ड आया है वो हमारे पास आया है एप्सिलॉन जीरो ए ई एयर इंटू वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। इतना चार्ज यहां पर इंड्यूस हुआ है, इतना ही सिग्मा यहां पर इंड्यूस हुआ है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला याद रखना है सबको, ठीक है। और इसी को बोलते हैं क्यू एयर, है ना, जो भी हवा में चार्ज है उतना, और वो घट गया, देखो वन में से कुछ घट ही रहा है ना, और के तो हमारा वन से हर समय बड़ा रहेगा, के जो है हर समय वन से बड़ा रहेगा, इनफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो यही चीज यहां पर लिखा है, यहां पर कुछ कुछ अलग चीज लिख रहा है, दिख रहा है हमको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक इक्वल टू, चीजें वही है, ठीक है। हम इस तरह से एक्सप्लेन किए हैं, यहां पर कुछ यहां पर वही है, कुछ नहीं, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बेसिकली इस बात से मतलब है कि सिग्मा कितना इंड्यूस हो रहा है और चार्ज कितना इंड्यूस हो रहा है यहां पर, कोई दिक्कत? छाप लो जल्दी से, जल्दी छापो इसको। छपा गया। अब हम एक काम करते हैं, इसको रख देंगे हम कैपेसिटर के अंदर में, ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया है ऐसे, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिए हैं, और ये कैपेसिटर का प्लेट है इस पर ऐसे, और इस पर हम यहां पर प्लस चार्ज रखे, ध्यान से देखना, और यहां पर माइनस चार्ज लाए हैं यहां पर ऐसे, और हमको पता है इस प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगा, ऐसे, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसने ही बनाया होगा, है ना, ऐसे जा रहा होगा ऐसे, इसने कि कुछ खत्म भी कर दिया होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा चला है ना, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो चुका है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा उधर की तरफ दिख रहा है। तो यहां पर वो क्या दिख रहा है, माइनस, कम माइनस ही दिख रहा होगा तभी ना ऐसा कुछ हुआ है, प्लस 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 प्लस, देखो इस पे कितना प्लस दिखा है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, यहां पर कितना दिखा रहे हैं, चार, यानी कि
बस ये नंबर ऐसे दिखा रहे हैं भाई, स्ट्रेंथ यहाँ पर निगेटिव चार्ज कम है, यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ है। ठीक है, अगर हम कह दें कि यहाँ पर जो चार्ज है हम इसको कह देते हैं क्यू नॉट, यहाँ पर भी क्यू नॉट, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर देखो माइनस चार्ज अपीयर हुआ है क्या, तो माइनस में क्यू इंड्यूस्ड और यहाँ पर प्लस में क्यू इंड्यूस्ड। देखो ये क्यू इंड्यूस्ड है जो इस पर अपीयर हुआ है, और ये क्यू नॉट है जो कि हमने दिया है पैरेलल प्लेट पर। ध्यान से समझ लो एक एक बात को। तो जो ई एक्सटर्नल यहाँ पर जो लिखेंगे क्यू इंड्यूस्ड, कितना लिखेंगे, कितना इंड्यूस्ड चार्ज हुआ था, जो हमने दिया है क्यू नॉट उसमें से वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होगा, है ना। यही के भी लिखा रहता है, तो अगर के लिखा रहेगा तो के के रूप में लिखेंगे इसको, वन अपॉन के। सिग्मा कितना इंड्यूस हुआ है तो लिखेंगे इस पे कितना चार्ज है तो प्लस सिग्मा नॉट है, और यहाँ पर माइनस में सिग्मा नॉट है। ठीक है, तो उसके हिसाब से लिखेंगे सिग्मा नॉट वन माइनस वन अपॉन के, है ना। के और एप्सिलॉन आर सेम है, ये बात याद रख लो। ठीक है, अब हम ऐसा बात लिखे कि अगर हम कह दें कि कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर का लग रहा है और अंदर का जो लग रहा है इंड्यूस्ड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, ऐसा कंडीशन हम कह दें कि जो ई एक्सटर्नल है लगा रहे हैं वो ई इंड्यूस्ड के बराबर हो जाए, इस चक्कर में क्या होगा कि जो क्यू आउट है वो क्यू इंड्यूस्ड के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर हम यहां पर इस दोनों को बराबर कर देंगे तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और ये तब होगा जबकि सारा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखो ये कब किसके लिए लिख सकते हैं, ये बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला अंदर वाले को अंदर में एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आने दिया इसने, है ना। तब ना कंडीशन ऐसा बना है कि बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले ने खत्म कर दिया, तो ये कंडीशन पे क्या बनेगा कि हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और ये हो जाएगा तब हमारा मेटल के लिए यानी कि कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर के लिए के का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि अगर इन्फिनिटी रख दोगे तो जीरो हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, कोई दिक्कत है? यानी कि अगर हम मेटल स्लैब डालेंगे तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है जीरो होता है, तो उसी हिसाब से अलाइनमेंट करेगा कि सारा ही चार्ज जितना यहां चार्ज उतना ही चार्ज यहां पर लिखा जाएगा तुरंत, और फिर उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां लेके आएगा, इतना ही निगेटिव चार्ज यहां दिखेगा। अरे सुन छाप लो, लास्ट है टॉपिक इसी में कि अगर मान लेते हैं कि एक्सटर्नल इतना ज्यादा हो जाए कि जो चलो छाप लो, पहले छापो इसको, जल्दी छापो। लास्ट ये है कि अगर मान लेते जो डायपोल था हमारा कुछ इस तरह से प्लस और माइनस, हमने ई एक्सटर्नल ऐसा लगा दिया एकदम पूरा खींच करके भी इसको जो रखा है क्यू ई एक्सटर्नल जो भी लग रहा है यहाँ पर, है ना, ऐसे क्यू ई एक्सटर्नल, ठीक है, क्यू ई एक्सटर्नल, ठीक है, ऐसा फोर्स लग रहा है। अब ये इतना तगड़ा है कि इस न्यूक्लियस को खींच लो, जो भी इलेक्ट्रॉन था सीधे खींच करके, है ना, इस गुलाब जामुन का गुलाब इधर जामुन उधर कर दिए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं समझ यार बात, नहीं लग रहा है गुलाब जामुन टाइप टेबलेट कैप्सूल टाइप का जी, दोनों इधर का पैरासिटामोल इधर और इरिथ्रोमाइसिन उधर कर दिया, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना तगड़ा था उसने जो खींच करके तोड़ दिया, हम इसी कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। और हमको पता है हवा में अगर कुछ ऐसा कंडीशन बने, तो कि अगर हवा में डायपोल बनाते हैं तो हमको पता है 3×6 वोल्ट पर मीटर बनता है ना, याद है डायरेक्ट ब्रेकेज था बताए थे, तो हर एक मीटर का अलग अलग होता है, ठीक है। अगर वो चीज अचीव हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, हमको वो अचीव नहीं करवाना है, ठीक है। तो वही उसी बोलते हैं डायलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, क्या उसको डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। ये तब होगा जबकि ई एक्सटर्नल इतना ज्यादा हो जाए कि ई ब्रेक डाउन को पार कर जाए, ठीक है। ये एक ब्रेक डाउन होगा किसी भी डायपोल के लिए बोला जाएगा, वह इतना इलेक्ट्रिक फील्ड को सस्टेन कर सकता है, उसे टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो निगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज उधर करेगा और लाइटनिंग इफेक्ट दिखेगा, और लाइटनिंग इफेक्ट दिखे नहीं दिखे वो तो हवा की बात है, लेकिन मटेरियल के अंदर में कुछ ऐसा बन जाएगा कि मटेरियल का सारा निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और सारा ही पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और इस कंडीशन में क्या बनेगा, ये कंडक्टर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा,
कंडक्टर बन जाएगा और सारा ही चार्ज ना फ्लो करके सरफेस पर आ जाएगा, इधर भी सरफेस पर आ जाएगा, तो वहां पर करंट दिखेगा। और जब करंट दिखेगा तो हीटिंग हीट होगा, क्योंकि हमको पता है हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, करंट होता है तो आई स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर टी। वहां पर मेटल हमारा जो है वो जो डाइलेक्ट्रिक है उस हीट के कारण पिघल सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो यानी कि हमको एक दो चीज ये भी बच गया दिमाग में आना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो भी ब्रेक डाउन है, एक समझ सकते हैं कंस्ट्रेंट है कि हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मटेरियल को जला दिए ऐसा भी नहीं कर देना। ठीक है, समझने के बाद अब सवाल ये है कि हम डाइलेक्ट्रिक्स को पढ़े क्यों, डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है। तो समझ में आ गया वही सेरामिक मटेरियल वगैरह है, प्लास्टिक है, ग्लास है, कुछ मटेरियल, लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये इतना चीज पढ़े एक डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, उसका यूज क्या करने वाले हैं, ध्यान से रखना। इरेज कर देते इसको, पहले जल्दी छापो। हम इसलिए पढ़े इसको डायरेक्ट्रिक्स को कि अगर मान लो कि हमने कहा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमको बनाने हैं। ठीक है, सारा जो स्टडी है जितना सारा कैपेसिटर का टाइप था हम पहले निपटा चुके हैं, और हमारा जो अभी से स्टडी होगा वो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर होगा और आगे जाकर के स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर पर होगा। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझना। अगर हम कह रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसका कैपेसिटेंस हम निकाल के बताए थे C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इतना होता है अगर हवा में है तो, और हम ये बात बताए थे कि इस पर प्लस चार्ज लाते हैं और इस पर माइनस चार्ज लाते हैं। कैसे लाते हैं, क्यों लाते हैं, इस पर बात करेंगे आगे जाकर के, स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में तो आप पूरा का पूरा कैपेसिटर को एकदम पूरा निपटा उपटा करके बैठ जाएंगे, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किए, बस अभी डुक 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 गाड़ी चला रहे हैं, ध्यान समझ लो। ठीक है, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ चैप्टर। ठीक है, फिर भी हम कुछ कुछ चीजों को बस तैयार कर रहे हैं। तो अगर हम कैपेसिटर में ऐसा कुछ लाए हैं, ये प्लस वाला माइनस वाले क्या बोलेगा, फोर्स लगाएगा, ये प्लस वाला इस माइनस वाले के ऊपर फोर्स लगा देगा, फोर्स लगाएगा इधर की तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। अच्छा, फोर्स कितना लगेगा ये निकाल सकते हैं क्या जी, फोर्स बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। तो हम कह देते हैं इसके छोटे से चार्ज के ऊपर इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा वो फोर्स लगाया होगा इसे। ठीक है, और इसने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा हम वो निकाल लेते हैं। तो हम लिख देंगे चार्ज है ना, ये चार्ज किसका, क्यू ऑफ निगेटिव प्लेट है ना इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट लिख सकते हैं यहां से, इतना इसका फोर्स लगेगा है ना, क्यू यू होगा ना फोर्स, क्यू इसका 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 चार्ज हम क्या लिखोगे, जो भी लिख देते क्यू। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिर्फ एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, सिर्फ एक के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है, नेट के बारे में बात नहीं कर रहे, इसने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो इस यहां पर इसके जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई दोनों का ना कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं सिर्फ इसी कारण, क्योंकि फोर्स सिर्फ यही वाला लगाएगा उसके ऊपर, खुद से खुद पे फोर्स नहीं लगाता, इस पर डिस्कस हो चुका है। तो इसमें कितना लगेगा फोर्स, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, कोई दिक्कत है। और इसका चार्ज बराबर क्या लिख सकते हैं, इसका जो भी चार्ज होगा वो सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा, लिख सकते हैं क्या, सिग्मा इंटू एरिया इंटू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, तो क्या दिख रहा है, वन अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये हो गया हमारे पास फोर्स, कोई दिक्कत है, ये इतना हो गया हमारे पास फोर्स, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, ये हो गया हमारे पास फोर्स है ना, ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, इसका हो गया फोर्स, इतना फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स के कारण ये प्लस माइनस लिख चुका ऐसे रखा हुआ सब जाएगा, गया कैपेसिटर बन गया। एक और चीज हम बताए थे पिछले क्लास में कि इसके बीच का जो सेपरेशन है जितना छोटा रखोगे, डी जितना छोटा रखोगे सी ज्यादा बढ़ेगा, तो हमने और छोटा रखना है, और जितना छोटा रखेंगे जितना छोटा रखेंगे, लेकिन गैप चाहिए हमको, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को रखना है, यानी दोनों प्लस माइनस सट करके न्यूट्रलाइज है, हमको ये सेपरेशन मेंटेन करके रखना है। तो कैसे रखेंगे, तो बीच में हवा अभी तक रखे थे, तो हवा में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, या तो हम पीछे से दोनों को दो आदमी है ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट तैयार करेंगे दोनों ऐसे रहे अलग अलग हवा में, लेकिन तभी हमारे पास एक चीज है कि हम पीछे हम कागज ठूस देते हैं बारीक के साथ, कुछ ऐसा मटेरियल माइका डाल देते हैं, समझ आ रही बात ना, कुछ ऐसा मटेरियल सेरामिक डाल देते हैं पतला ऐसा, वो सिर्फ एक बात करेगा कि इस दोनों के बीच में सेपरेशन मेंटेन करके रखेगा,
और उसके बाद जो होगा वो तो और कमाल का बात होगा। ठीक है, यही चीज हम रखते हैं कि जो डायरेक्ट्रिक है वो एक तो भाई प्रॉब्लम आ रहा है कि हम इसको मिनिमम सेपरेशन पर रख नहीं पा रहे हैं, और जब रख नहीं पा रहे तो मेंटेन करके रखना है सेपरेशन को। सेपरेशन को मेंटेन करने के लिए हमने बीच में एक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया। ये इंसर्शन के कारण क्या क्या होगा इस पर स्टडी करते हैं। पहला तो इंसर्शन के कारण जो छोटा सा बात याद रख लो कि इफेक्ट क्या होता है इसके कारण, है ना। पहले फोर्स लिख लो, ये लिख लो, ये फोर्स बिटवीन, ठीक है, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, ये हो गया कैपेसिटर के प्लेट के बीच में फोर्स कितना लगेगा। छापो जल्दी से इसको, हम क्या कह रहे थे कि अगर हमारे पास ये कैपेसिटर इसके बीच का डिस्टेंस हमने कम रखना है तो हमने क्या किया कि इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और डी डिस्टेंस का एम रखे हैं, अभी पूरा का पूरा चिपका दिए बीच में, ये प्लस है और ये माइनस है, इधर ये प्लस है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है इसका के। अब एक बात बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में कितना हो जाएगा, जो ये एक्सटर्नल है बाय के टाइम्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको पता कम हो जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अंदर में रहेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम हो गया था, कितना टाइम्स कम हो गया था, के टाइम्स कम हो गया था, तो हमको बता सकते हो यहाँ इसके पीछे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या पढ़े थे, ई इंटू डी पढ़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, ई इंटू डी सीधे लिख सकते हैं, या फिर वो इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे तभी वही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर में कितना, तो ई जो भी एक्सटर्नल आ रहा है बाय के इंटू डी आ रहा है, और बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो पढ़े थे ना, इंटू के बाय बी, ये हो गया डेल्टा बी, है ना। तो हमको क्या निकालना है, सी बराबर जो सी बच रहा है, सी बन रहा है, क्या पढ़े थे, सी बराबर क्यू अपॉन बी, क्यू अपॉन डेल्टा बी, क्यू बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया अपॉन डेल्टा बी के जो क्या लिखेंगे, सिग्मा डी एप्सिलॉन जीरो के, सिग्मा सिग्मा खत्म हो गया था, देखो क्या मिल रहा है, ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी इंटू के, यानी कि ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी क्या था, हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटेंस था, अगर हवा था सी इन एयर क्या बनाए थे, ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी बनाए थे, बनाए थे ना। अब देखो ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी से के मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं सी इन एयर इंटू के बन रहा है, यानी कि हवा में इलेक्ट्रिक जो भी कैपेसिटर था डायरेक्टली इंसर्ट किए, कैपेसिटी बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, है ना, इंक्रीमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, कमाल हो गया। देखो एक तीर इसी कहते, एक तीर से दो निशाना, कैपेसिटी बढ़ा लिए, साथ में इसके बीच का जो डिस्टेंस था उसको मेंटेन करके रखे, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं मेंटेन द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, और साथ में, ठीक है, प्रिवेंट डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डायलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, डायलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन को हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, देखो ये टाइम्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे एक्सटर्नल उसमें से जो भी अंदर में आ रहा है वो तो के टाइम्स कम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पहुंचने नहीं देगा, रीच ही नहीं करने देगा। एक बात ये भी है, उतना बड़ा फैक्टर नहीं है फिर भी करता है ये काम, कि बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है कि हवा में तो सीधे सीधे इंसर्ट करेगा, तो हवा में जल्दी से वो 3.6 बहुत जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन जैसे डायरेक्ट्रिक इंसर्ट डाल देंगे तो उसका थोड़ा वो भी डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में बढ़ जाता है, ठीक है। एक तीर से तीन निशाने, कमाल हो गया। तो ये याद रखना है कि डायरेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटी बढ़ता है, हम एक चीज चाहते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस खूब कम रहे, बता चुके हैं पहले ही कैपेसिटर का जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है, ऐसा है, ऐसा डिस्टेंस खूब कम है, और ऐसा बचाने के लिए हमको बीच में ये इंसर्ट करना पड़ेगा, बहुत थिन डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को डायरेक्ट्रिक को डालना पड़ेगा, ठीक है।
नहीं तो ऐसा मेंटेन रह नहीं सकता, है ना। इस पर प्लस रखेंगे माइनस रखेंगे तो चिपक जाएगा। मजा आ गया, छाप लो। तो डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने का मीनिंग समझ में आ गया, डायलेक्ट्रिक कैसे इंसर्ट कर रहे हैं क्लियर हो गया, और क्यों कर रहे हैं ये समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब थोड़ा एक दो चीज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज का लेक्चर द एंड करते हैं। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे ही चलना है गाड़ी लेकर के, क्योंकि परेशानी ज्यादा मोल नहीं लेना है। मान लेते यही कैपेसिटर का दो प्लेट है, ठीक है, ठीक है, और इसमें हम कह रहे हैं कि टी थिकनेस तक, इसका डिस्टेंस है डी, ठीक है, टी थिकनेस तक हम एक के कांस्टेंट का डायलेक्ट्रिक रख दें। यहां पर हवा है, ठीक है, और हवा के लिए के का वैल्यू हो जाएगा जीरो, के है, कोई दिक्कत है, और यहां पर के है, कोई दिक्कत है, तो वो क्या लिखेंगे, के का वैल्यू जीरो नहीं होगा, के का वैल्यू यहां पर वन आ जाएगा, ठीक है, तब ना क्यू इंड्यूस इसमें नहीं होगा, इसमें कोई इंड्यूस नहीं होता, ठीक है, के का वैल्यू यहां पर वन लिखना है, यह बात याद रखना, ठीक है, गलती सीधे जीरो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर प्लस चार्ज है, प्लस सिग्मा, यहां पर माइनस सिग्मा, हमको पता है कि इस प्लस के चक्कर में यहां पर माइनस सिग्मा आई इंड्यूस होगा, यहां पर प्लस में सिग्मा आई इंड्यूस होगा, है ना। खैर हमको कोई मतलब है नहीं, हमको लिखना है इसका कैपेसिटी, तो सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन डेल्टा बी, हमको लिखना है यहां से, देखो पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो, बताओ डेल्टा बी बराबर क्या लिखोगे, ई इंटू डी। चलो यहां स्टार्ट करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो ई इंटू डी करते हैं, सीधा मैग्नीट्यूड में बात करते हैं, या फिर इधर से आओगे कोई दिक्कत नहीं, हम इधर से चलते हैं। यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हवा में है, यहां पर क्या है, ई एयर है, और यहां पर ई एयर बाय के, के टाइम्स यहां पर कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समझ आ रहा है बात, ई एयर बाय के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो ई एयर हवा कहां तक है, देखो तो पूरा टी थिकनेस छोड़ करके हर जगह हवा, इधर भी हवा है, हवा हवा है, हवा है, बसंती हवा है, है ना। तो ई एयर इंटू डी माइनस टी हो जाएगा क्या, तो पूरा डी है उसमें से टी थिकनेस कम है, मेन हवा है, यहां पर भी हवा है, फिर से देखो यहां पर भी हवा है, यहां पर भी हवा है, तो डी माइनस टी थिकनेस में हवा है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, ई एयर इंटू डी माइनस में टी थिकनेस प्लस ई डायलेक्ट्रिक्स, डायलेक्ट्रिक के अंदर का, इंटू टी थिकनेस, ई डाई इलेक्ट्रिक इंटू टी थिकनेस। अब ई एयर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो पड़ेगा ना, इंटू टी थिकनेस प्लस में यहां क्या हो जाएगा, अच्छा रहने देते हैं इसको, ऐसे कष्ट कर दे, ई एयर यहां पर क्या लिख देंगे, ई एयर अपॉन के इंटू टी, डायरेक्ट्रिक के अंदर में ई एयर बाई के है। अब देखो तो ई एयर कॉमन आ रहा है क्या, तो क्या बच रहा है, डी माइनस में टी प्लस में टी अपॉन के, ये हो गया हमारे पास डेल्टा भी, कितना आ गया डेल्टा भी, इज दैट ओके। तो यहां से अगर हम लिखें ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, तो क्या बचेगा जी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो डी माइनस में टी प्लस में टी अपॉन के, ये होगा डेल्टा भी। सिग्मा बराबर क्या लिख देंगे, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, ये हम लिख सकते हैं। तो देख लो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन डेल्टा बी, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, ए एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, बाय डी माइनस में टी प्लस में टी अपॉन के, ठीक है, ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी माइनस में टी प्लस में टी बाय के हो गया कैपेसिटेंस, डिवाइड कर देना सिर्फ क्यू से, क्यू खत्म हो जाएगा टी एप्सिलॉन जीरो पर, और ये चीज नीचे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था ऊपर में, कोई दिक्कत है, मजा आया, छाप लो। अगर हम एक काम करते हैं,
इसी डाइलेक्ट्रिक में है ना जो कैपेसिटर है उसमें दो स्लैब डाल देते हैं, एक और दो, ठीक है। इसका थिकनेस करते हैं T1, इसका थिकनेस करते हैं T2 और टोटल डिस्टेंस है D। अब बता दो क्या हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस, C बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा B, हमको डेल्टा B लिखना पड़ेगा। तो पहले बता दो हवा कहां तक है, पूरा D माइनस में T1 माइनस T2 में हवा है, तो क्या लिखेंगे E इन एयर इंटू D माइनस में T1 माइनस में T2, ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अच्छा ठीक है, D माइनस में T1 माइनस में T2 दोनों में हवा है। इसका K1 है और इसका K2 है, इसके लिए क्या लिखोगे E एयर बाय K1 इंटू T1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस हमारा वोल्टेज होता है वही हम लिख रहे हैं, और उसी तरह से E एयर बाय K2 क्योंकि इसमें K टाइम्स कम होता है ना, इसलिए इसका K2 टाइम्स कम हो जाएगा इंटू T2। अगर हम साफ देख रहे हैं यहां पर से E एयर कॉमन आ रहा है तो क्या बच रहा है, डी माइनस में T1 माइनस में T2 प्लस में T1 अपॉन K1 प्लस में T2 अपॉन K2 इन हो रहा है डेल्टा बी। तो C बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सी लिख देते हैं A एप्सिलॉन 0 बाय डी माइनस में T1 माइनस में T2 प्लस में T1 अपॉन K1 प्लस में T2 अपॉन K2। अगर इसमें हमने n स्लैब भर दिया तो क्या बनेगा, इफ n स्लैब इज इंसर्टेड देन C बराबर क्या लिखाएगा, A ऑफ सेलन जीरो बाय D माइनस में T1 T2 n टर्म में चलेगा ना, तो समेशन ऑफ Ti का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, ठीक है, और फिर प्लस में समेशन ऑफ Ti बाय Ki और i का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, ये ना जगह इसका भी T1 T2 T3 सब घटते जाएगा यहां पर और यहां पर सब जुड़ते जाएगा T1 बाय K1 T2 बाय K2 T2 T3 बाय K3 ऐसे ऐड होते जाएगा। ये बन गया हमारे पास n स्लैब अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो, ऐसा कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन बनेगा नहीं, मतलब एक तो छोटा जगह है उसमें हजार को स्लैब ही भर दिया कोई मतलब तो बनेगा नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन पूछने वालों का दिमाग फिरता है तो कुछ पूछ लेता है, ठीक है। छापो जल्दी से, हेडिंग में लिख लेना दोनों वाले में है ना, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर पैरालेल कैपेसिटर, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमारा पैरेलल प्लेट है, दोनों मैं यहां प्लस चार्ज रखे है और इस पर माइनस चार्ज रखे है, ठीक है। अगर हमको कह दिया इंसर्शन ऑफ मेटल प्लेट है ना, मेटल प्लेट कर दिया, तब एक बात समझ लो कि अगर हम कर दें ऐसा, एक कैपेसिटर है और इसके बीच में पूरा का पूरा ऐसा सटा करके एक मेटल प्लेट डाल दिया, ठीक है, इमेजिन करना क्या होगा, सटा दिए पूरा, ठीक है, इसी मेटल प्लेट में ना, यही है ना हमारा, इसमें हम ये कैपेसिटर में हम पूरा सटा दिए, जैसे सटा देंगे पूरा का पूरा ऐसे सटा दिए पूरा ऐसे करके, इमेजिन हो रहा बात नहीं हो रहा, ये दिखा ऐसे करके सटा दिया, तो यहां पर जितना भी चार्ज होगा प्लस या माइनस है तो सीधे प्लस आगे बढ़ जाएगा, तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो कैपेसिटर रहेगा, हमको कैपेसिटर ना चाहिए, तो कभी भी मेटल प्लेट को पूरे में इंसर्ट नहीं कर सकते, तब वो वायर बन जाएगा है ना, तब तो फिर चार्ज कंडक्ट कर लेगा, प्लस से माइनस की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा चार्ज, चार्ज को हमको होल्ड करके रखना है, दो प्लेट के बीच में बचा के रखना है, ये दिमाग में रखना है हमको, ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या हो जाएगा मूवमेंट ऑफ चार्ज पॉसिबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मूवमेंट ऑफ चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो पहला बात तो लिख लो, वी कैन नॉट इंसर्ट है ना
मेटल प्लेट कंप्लीटली इनसाइड द कैपेसिटर, ठीक है ना। व्हेन वी डू दैट इट बिहेव लाइक अ कंडक्टिंग या कंडक्टर, है ना, ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, जो भी है ऐसे बिहेव करने लगेगा, कंडक्टिंग वायर करंट फ्लो करवा देगा, हम करंट फ्लो नहीं करवाना है, ठीक है, तो नहीं करवाना है, तो हम पूरे में इंसर्ट नहीं कर सकते, तो आधे में तो इंसर्ट कर सकते हैं ना, चलो आधे में इंसर्ट करते हैं, तो मान लेते हैं कैपेसिटर है और उसमें हम यहां से यहां तक में हम इंसर्ट कर दिए, पूरा डी डिस्टेंस है और टी थिकनेस तक हम इसमें मेटल प्लेट इंसर्ट कर दिए, मेटल इंसर्ट कर दिए, याद है मेटल के लिए क्या बताए थे, के इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है। अब बता दो कैसे कैसे लिखेंगे, सी बराबर क्या लिखते थे, अभी सी बराबर क्या पढ़े थे, ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी माइनस में टी प्लस में टी अपॉन के, ये ना पढ़े थे, तो के इंफिनिटी पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी माइनस में टी प्लस में टी अपॉन इंफिनिटी, तो जीरो हो गया, तो क्या बचा, ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी माइनस में टी, जो क्या नया सी, ठीक है, समझ में आ गया मेरा बात, यानी कि डी माइनस में टी थिकनेस का ही कैपेसिटर हमको दिखेगा जो हवा में आएगा, कॉपी कर लो। अगर हमको इसी में सवाल कर दिया होता, ठीक है, कि आधे डिस्टेंस में हमने रखा है तब, है ना, मतलब डी डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस है, डी बाय टू डिस्टेंस पर रखे होते तो डी के जगह पर डी बाय टू रख देंगे, है ना, ये सवाल आ चुका है बेसिकली, इफ टी बराबर डी बाय टू सी जो न्यू बनेगा वो क्या हो जाएगा, सी एयर वाला बाय टू हो जाएगा, डी माइनस डी बाय टू यानी कि टू टाइम्स ऑफ सी एयर हो जाएगा, है ना, मतलब हवा से दो गुना ज्यादा कैपेसिटी हो जाएगा इसका, ठीक है, छाप दिए, अब इसको थोड़ा दिखाते हैं, इरेज कर देते हैं यहां पर, अब समझना इस बात को, अगर मेटल इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है अंदर में, ये कैसे दो गुना हो रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है, हो गया इधर कॉपी, अब इरेज कर दे रहे हैं इसको, जैसे ही मेटल इंसर्ट करेंगे तब क्या होगा, तो ये रहा हमारा कैपेसिटर इतना बड़ा और हमने इसमें आधा डिस्टेंस तक मेटल प्लेट को इंसर्ट कर लिया, ये पूरा डी बाय टू रह जाएगा तब और ये भी हो जाएगा डी बाय टू। अब एक बात बताओ, है ना, पूरा सटाई दी उधर आधे डिस्टेंस तक पक्का पक्की भर दी, अब बता दो यहां पर कितना चार्ज आता है, हमको पता है प्लस में क्यू चार्ज आता है और क्योंकि ये मेटल है तो जितना चार्ज यहां आएगा उतना ही चार्ज यहां आ जाएगा, तो यहां पर माइनस में क्यू चार्ज आएगा और यहां पर अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इधर तो कोई चार्ज आएगा भी नहीं, है ना, सारा चार्ज, तो सिर्फ कितना बच गया हमारा, हमारा जो डिस्टेंस रह गया यही ना कैपेसिटर है, अब ये तो है ही नहीं, ये तो पूरा मेटल कंडक्टर, यहां से तो फ्लो कर जाएगा चार्ज आगे, यानी कि हमारा कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस बना है वो क्या बना, ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी होता है, तो डी क्या बचा, डी बाय टू हो गया ना, टू टाइम्स ऑफ सी इन एयर, अगर हवा था पूरे में उसमें सामने मेटल डाल दिए, ये मेटल है तो सिर्फ और सिर्फ इसी में कैपेसिटेंस रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसी में रह सकता है, ऐसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो हम बताए थे कैपेसिटर का मतलब क्या है, कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करके रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करके रखना है, तो हमारा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इसी में स्टोर्ड है, इसमें है ही नहीं, जिसमें है ही नहीं उसका कोई मतलब बनता नहीं है, समझा बात, ठीक है, तो यही था आज का लेक्चर आज तक का, ठीक है, आज के लेक्चर में ज्यादा कुछ स्टडी हुआ नहीं है, ठीक है, बस एक बेसिक सा बात सीखे कि डायरेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से क्या क्या चीज होता है, अगले लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर पर इन डेप्थ बात करेंगे, कैपेसिटेंस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था, अब बात करेंगे आगे से, कोई दिक्कत है नहीं है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो भी करना है कर दो, घंटा उंटा सब बजा दो, मिलते हैं, बाय।